मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में हर्धमान महान जिन विचरे हमारे। समय सार का कलश 34वां चलेगा, पेज नंबर 101 समय सार में। पर इसमें है पेज नंबर 344-345। प्रकरण तो ख्याल में ही है कि 8 प्रकार के लोग ऐसे थे जो आत्मा को नहीं जानते हैं, और आत्मा से भिन्न जो पुद्गल के ही रूप हैं प्रकारांतर से, उनमें से किसी न किसी को आत्मा मान लेते हैं। और आठों का तर्क ये है कि हमें इसके अलावा कोई आत्मा दिखाई नहीं देता है, इसलिए हम इसी को आत्मा मानते हैं। कर्म के अलावा आत्मा दिखाई नहीं देता है तो हम कर्म को ही जीव मानते हैं। नो कर्म माने शरीर आदि, इनके अलावा हमें कोई जीव दिखाई नहीं देता है इसलिए हम इनको ही जीव मानते हैं। ये 8 प्रकार के जो तर्क थे वो सब का एक ही था कि हमें अलग से दिखाई नहीं देता है, हमारे अनुभव में नहीं आता है, इसलिए हम इसको मानते हैं। और जिस तर्क से उनने अपनी बात रखी थी, उसी तर्क से आचार्य देव ने उनकी बात को काटी कि तुम कहते हो कि हमें दिखाई नहीं देता है, तो तुम्हें आत्मा दिखाई नहीं दिया तो तुम चाहे जिसको आत्मा मान लोगे। वो कहते हमें तो साफ आत्मा इससे भिन्न दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि ज्ञानियों को वो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा निरंतर दिखाई देता है, इसलिए ये अनुभवाश्रित युक्ति हुई। और आगम में तो लिखा ही है कि इनसे भिन्न भगवान आत्मा है। तो इस तरह आगम और युक्ति से दोनों से उन्होंने ये सिद्ध किया कि ये भगवान आत्मा इन वर्णादि से लेकर और वो सब अद्भुत गुणस्थान पर्यंत जितने भाव हैं उनको यहाँ 8 भागों में बांटा है, वे आदिव नहीं हैं। ये सब बात कहने के बाद, तर्क और युक्ति से सिद्ध करने के बाद, आचार्य देव प्रेरणा देने के लिए ये बात कहते हैं कि बहुत बातें हो गई, अब बातों से कुछ नहीं होगा, अब तो काम करो। तो उसके लिए 34वां कलश है, पढ़ो। देखो इसके ऊपर जो एक पंक्ति है ना, कलश 34 के ऊपर संस्कृत में, उसमें यही बात लिखी है जो कलश में है कि यही खलु उद्गल भिन्नात्मोपलब्धि। इस जगत में निश्चय से पुद्गल से भिन्न भगवान आत्मा की उपलब्धि के प्रति विप्रतिपन्ना विवाद में पड़ गए लोग, होगी कि नहीं होगी, होगी संशय में पड़ गए। सामनैव अनुशास्या, उनको बहुत प्रेम और शांति से अनुशासन में लाते हैं। एक कलश का एक तरीके से हेडिंग है। और वो यहाँ कहते हैं विरम किम अपरेण अकार्य कोलाहलिने,
कहते हैं रुको, जब ऐसे कोई बहुत जब लोकसभा में बहस होती है ना आजकल, ऐसी बहस हो रही हो दो चारों तरफ से लोग चिल्लपों कर रहे हों और कोई एकदम बीच में आ जाए एकदम समर्थ आदमी और कहे एकदम रुको रुको बंद करो ये सब बात, तो सब भौचक्के होके उसकी तरफ देखने लगे। ऐसे ही आचार्य का एकदम आदि ब्रह्म रुक जाओ, ये लोट लकार है आज्ञावाची और विरमति का लोट लकार का मध्यम पुरुष के एक वचन का प्रयोग है। अब कैसे रूप चलेंगे आगे तुम समझ लो, है ना। बी उपसर्ग पूर्वक रम धातु है, रम माने रमना और विरम माने रमने से हटना, विराम लेना कि जो तुम कर रहे हो ये बंद करो। कि क्या कर रहे हो कि अकार्य कोलाहल ने कि बिना मतलब का हल्ला गुल्ला कर रहे हो कि क्या कर रहे थे हम। आचार्य महाराज कह रहे हैं जी किससे कह रहे हैं, हम तो ये विचार कर रहे थे कि आत्मा क्या है, शरीर आत्मा है कि नहीं है, हम तो ये विचार कर रहे थे, हम तो आत्मा की खोज की चर्चा कर रहे थे। ये जो हमने पहली गाथा से लेकर और ये अपनी जो गाथा आई 44 तक, उनमें और उनकी टीका में और कलशों में जो हमने बात की, उन सब को वे यहाँ अकार्य कोलाहल कह रहे हैं। यदि गुरुदेव श्री की भाषा में अर्थ करूं तो वो कहेंगे कि जहाँ निवोड़ी खाने को मना किया जाता हो तो जहर खाने के लिए कौन कहेगा। ऐसे ही इस तत्व चर्चा को जहाँ अकारी का कोलाहल कहा जा रहा हो तो फिर दुनियादारी की जो और विकथाएं हैं उनको धर्म कौन कहेगा, फिर धर्म चर्चा कौन कहेगा। कि नहीं साहब वो उन्हीं से कुछ बात कर रहे होंगे, लेकिन ये तो बात इस प्रकरण में कह रहे हैं ना। ये अकार्य कोलाहल क्या है जो चर्चा वे स्वयं कर रहे थे, उसी को वे अकार्य कोलाहल कह रहे हैं। गजब की बात तो ये है, जैसे कोई आदमी आपको एक घंटे तक समझाए और आप अपनी बात पे जिद पे ही अड़े रहें और बिल्कुल समझने को तैयार नहीं हो, तो वो ही अथवा कोई दूसरा आचार्य आके कहे काय को दिमाग खराब कर रहे हो, चलो हट जाने दो, जाओ जाओ जाओ, तुम्हें दुख है सुख करो, इन बेकार की बातों में हमारा समय नहीं है, तुम्हें समझना हो शांति से तो समझो। ये विनम शब्द में और अकार्य कोलाहल ने इस शब्द में इतनी बात भरी है, बिना मतलब का हल्ला गुल्ला है ना। ये अपने इसमें अनुवाद किया, हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से। व्यवहार नए को तो राजमल जी ने तो बकवादी कहा है, यही शब्द पढ़ा है मूल में उनकी पंचाध्यायी में। देखो अब तो रुको, निज को लखो, कि कैसे लखें निज को, कि अध्यात्म के अभ्यास से। विरम किम अपरे ने अकार्य कोलाहले ने स्वयंपि निभृता सन पश षणमासमेकम, स्वयं निवृत्त होकर अपने आप तुम इस कोलाहल से निवृत्त हो जाओ, दुनियादारी से निवृत्त होकर षणमास मेकम पश एक छह महीना तक भगवान आत्मा को देखो, बस और कुछ नहीं, बस एक ही काम है मेरे का। श्रीमद के शब्दों में काम एक आत्मार्थ नो बीजो नहीं मन रोग,
और कोई अपने माथे पे बोझा नहीं लेना, बस एक हमें आत्मा जानना है। एक सारे जगत से दृष्टि को हटाकर एक छः महीने तक तुम इस आत्मा को जानने का प्रयास तो करो, देखा ना, बस शरण मास मेकम, एकम माने आत्मा को, एक माने अध्यात्म माने आत्मा होता है। आपको कैसे हुआ एक माने तो एक होता है, जैसे ना कि जो रूमाल एक है ऐसा एक होता है। एक रामधारी सिंह हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हो गए हैं, डॉक्टर रामधारी सिंह, नाम नहीं, नाम क्या बोला मैंने, नामवर सिंह, रामधारी दिनकर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अपभ्रंश के बहुत बड़े विद्वान हैं, नामवर सिंह छत्री हैं। वो कहते हैं कि जैन अध्यात्म में कहीं एक शब्द लिखा हो तो उसका आँख मीच के आत्मा अर्थ कर देना। और अब तो तुमने नए चक्र के विशेषज्ञ हो गए लोग, तो इसमें आता ना एक और अनेक, ये आत्मा में दिव्य क्षेत्र काल और भाव होता है ना, तो भाव की अपेक्षा आत्मा एक और अनेक है गुणों की अपेक्षा। तो वहाँ भी अनंत गुणों का अखंड पिंड, उसको ये कहते हैं ना, वो आत्मा ही की बात है ना। एकम छः महीना लगातार और संकल्प के विकल्पों को छोड़कर तुम अपने भगवान आत्मा को देखो। अभी ये आठ प्रकार के जो उन अज्ञानी की मान्यता बताई ना, और फिर उनका खंडन किया खुद नहीं, अब वे खुद ही कहते हैं कहीं ये खंडन मंडन में क्या रखा है, छोड़ो इस बात को। अब कहते हृदय सरसी उद्गलाद भिन्न धामनो, कि तेरे हृदय रूपी तालाब में उद्गल से भिन्न तेरा भगवान आत्मा स्वयं विराजमान है, कि तू उसे देख, कि मैं देखूंगा तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी। क्या बात कर रहा है, क्यों नहीं होगी, जब आत्मा यहाँ है और तू उसे देखने की कोशिश करेगा तो वो दिखाई क्यों नहीं देगा, अवश्य ही दिखाई देगा। देखा नहीं, यदि अनवरत छह मास हो निज आत्मा की साधना तो आत्मा की प्राप्ति हो, संदेह इसमें रंजना। ये हूबहू उस छंद का पद्यानुवाद है हिंदी में, बिल्कुल सरल सुबोध भाषा में। बनारसी दास जी ने और एकदम हृदय में बात बैठ जाए इस तरकीब से इस तथ्य को प्रस्तुत किया है। वो भावानुवाद है, ये छंदानुवाद है, भाषानुवाद है, मतलब समझे ना। पढ़ो, बहुत अच्छा है, पढ़ो बनारसी दास का, इसमें होगा। कितना मृदु कोमल संबोधन है कि भैया जगवासी, हे जगत के जीवो, ये जो अपने हिंदी का बहुत मृदु संबोधन है जिसकी बंबई में जाके दुर्दशा हो गई है, भैया भैया की, गुजरात का भाई है ना, हे भाई हिंदी का वो भैया है बोलते ना सब जगह, जो हिंदी एरिए से आते हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं भैया 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 बहुत प्रेम से, और वहाँ जाते हैं बम्बई में तो बेचारे जितने भी वो गए ना हिंदी भाषी, जो आपस में भैया भैया करके बोलते थे, वो उनको बेचारों को मजदूरी करनी पड़ी वहाँ जाकर,
ज़्यादातर टैक्सियाँ चलाने लग गए वे लोग, और काम करने लग गए, सब्जी बेचने लग गए। तो वे भैया भैया बोलते ना आपस में, तो उन्होंने यूपी और बिहार के लोगों को भैया के नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया और भैया लोगों के विरुद्ध आंदोलन। क्या हाँ, अब वो बम्बई में जो हो गया, लेकिन उनमें भी ऐसा नहीं, बहुत प्रेम एका है। वो सब्जी वाला बैठा हो ना, और अपन जाएं और अपन की जो अपने अपनी उस पर आ जाए, अपनी उस पर आ जाए माने अपन अपनी लोक की भाषा में बोलने लग जाएं। और एक दफ़ा कहते हैं भैया क्या बात है, ये भाव बता रहे भैया, हे तुम भैया हो, और फिर तो देखो है? फिर तुम उसके परमानेंट ग्राहक बन जाते हो, और वो तुम्हें बढ़िया से बढ़िया चीज़ देता है, सस्ती से सस्ती चीज़ दे सकता है, तुम्हें भाव देता है। उनमें ऐसा है। जैसे मराठी को देखे है ना, हमारे मध्य प्रदेश में बहुत मराठी, 40% एजुकेशन में मराठी लोग हैं, शांति जी आपको मालूम, और उनको हम सब लोग कड़ी चट्ट बोलते थे। उनके जो ग्रामीण भाषा के जो मीठे शब्द होते हैं, और जब वे आपस में बात करते हैं ना, तो उनका बहुत बात्सल्य भाव उसमें झलकता है। तो बनारसी दास जी ने भी उसी शब्द का प्रयोग किया है कि हे जगवासी, हे भाई भैया, तुम्हें बनी जी बहुत भैया भैया बोलते थे, उनके प्रवचनों में सैकड़ों दफे भैया शब्द आता था, समझे ना। उदासी हुए के जगत सो, ऊपर उसमें कलश में अपन ने देखा था ना, क्या था, निभृतासन, इसका अर्थ किया है निर्वृत्ति लेकर, है ना। क्या उदासी हुए के जगत सो, एक छह महीना उपदेश मेरो मान ले, एक छह महीना के लिए मेरी बात मान ले, कि ठीक है हम मानने को तैयार हैं। बोलो क्या करना, अब बोलो, हम आपकी बात मानने को तैयार हैं। मानो वो बिल्कुल तैयार हो गया है, तो वो आगे बताते हैं कि और संकल्प विकल्प के विचार विकार तज, अब तुम ज़्यादा संकल्प विकल्प में मत पड़। वैसे शास्त्रीय भाषा में तो परमे एकत्व मत तो करते तो भोक्तृत्व बुद्धि को संकल्प कहते हैं, और गेहों के लक्ष्य से ज्ञान में उठने वाली विकल्पों की तरंगों को विकल्प कहते हैं। लेकिन लोक में कहते ना, उसके परिणाम तो संकल्प विकल्प भर गए, एकदम घबरा के हो गया है, तो दुनिया के और संकल्प विकल्प छोड़ करके बैठ के एकांत में बैठ कर अपने मन को एक ठोर आन ले, एक जगह लगा दे। अब एक जगह लगा दे मैंने कहा, कहीं एक जगह लगा दे, दीवार पे लगा दे, इस पे लगा दे, इस पे लगा दे, अरंध भगवान की मूर्ति पे लगा दे। क्यों, एक ठोर माने अभी अभी बताया था ना कि कहीं अध्यात्म में एक आवे तो उसका अर्थ है आंख मीच के आत्मा करना, माने एक ठोर माने आत्मा की तरफ ले आ। अब ये अलंकार है कि तेरो घट सर, मूल में ये हृदय सरसिया है ना, कि तेरा घट, घट माने ये शरीर को भी घट बोलते हैं ना, तो तेरा ये शरीर है, ये तो हुआ तालाब, तामे तू ही है कमल, और उसमें खिला हुआ कमल तू है। ये शरीर है तालाब, और शरीर में ये भगवान आत्मा, उसमें खिला हुआ कमल है, तो तू कमल है। अब तू ही मधुकर, भोंरा भी तू है, तो मैं दो कौन हो गया, कमल भी मैं और भोंरा भी मैं। कि वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, वो तो है कमल, और तेरी जो ज्ञान की पर्याय है वो है भोंरा। क्या तू ही, क्या तेरो घट सर, तामे तू ही है कमल,
ताको तू ही मधुकर सुभाष पहचान ले। उस कमल की सुभाष को जैसे वो भौंरा पहचान लेता है ना, ऐसे ही अपने भगवान आत्मा रूपी कमल की सुभाष को तुम अपने उपयोग रूपी भौरे से कह के वो पहचान ले। वैसे क्या होता है, जब वो भौंरा उस कमल की गंध को अच्छी तरह पहचान लेता है और वो उसे बहुत आनंददायक लगती है, तो मालूम वो अपना सब कुछ भूलकर उस कमल के फूल पर बैठ जाता है और उसके गंध लेता है, मस्त रहता है और सारे विकल्प छोड़कर। अब शास्त्र में ऐसा आता है, वो राजा भोज के बारे में आता है, तो वहाँ पर उनका एक बहुत बढ़िया श्लोक आता है कि वो भौंरा आया, कमल पर बैठा था, तो कमल शाम को सूरज अस्त होता है तो धीरे 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 बंद हो जाता है, फिर सुबह सूरज उगता है तो फिर खुलता है। वो कमल का फूल ऐसा नहीं कि एक दिन में मुरझा जाए, कई दिन तक रहता है और रोजाना बंद होता है रात को और दिन को खुल जाता है, उसे क्या बोलते हैं, कमल। और एक होता है कुमुद, नाम सुना, कुमुद क्या होता है कि दिन को बंद हो जाता है और रात जब चांदनी रात होती है ना और चंद्रमा उगता है तो वो खुलता है। जो रात्रि में खिलें वे हैं कुमुद, कमल का ही एक भेद है, और दिन में खिलें वे हैं कमल। अब वो भौंरा उस कमल पे बैठ गया, अब वो कमल बंद हो गया, अब उसमें बंद हो गया वो अंदर। वो कहते हैं कि भौंरे में इतनी ताकत होती है कि लकड़ी की ऐसी इतनी मोटी दीवार हो ना, तो इस तरफ से वो निकल के छेद करके उस तरफ से निकल जाएगा। वो ऐसा आरा सा चलता है उसको कि एकदम बराबर लकड़ी करते 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 छेद हो जाता पूरा। इतनी मोटी दीवार को छेद करके निकल सकता है, और कमल की पंखुड़ी कितनी मुलायम कितनी कमजोर है, लेकिन वो उसमें से नहीं निकल सकता। वो उसको काट के वो कहीं से भी निकल के भाग सकता है, लेकिन वो तो उसकी चीज हो गई ना, उसका तो उसमें अपनापन हो गया ना, वो उसको कैसे काट दे। तो उसमें ऐसा छंद आता है, ऐसा नींद शतक में आता है कि वो सोचता है कि सुबह होगा सूरज उगेगा फिर कमल खिलेगा और मैं उड़ जाऊंगा। ऐसा बहुत बढ़िया श्लोक है, मैं भूल रहा हूँ श्लोक, किसी को याद हो तो वो सुनाए बढ़िया। क्या प्रातः भविष्यति हैं, क्या है याद, क्या, हाँ बोलो बोलो, है पूरा याद हो, रात्रि गमस्यति भविष्यति सुप्रभाता, ऐसा छंद है कि रात्रि बीत जाएगी सुबह होगा कमल खिलेगा और मैं उड़ जाऊंगा। क्यों बंद हो गए ना, पहले दिन में नहीं उड़ रहा था, हो सकता है सुबह जब कमल खिल जाए तो फिर ना उड़े क्या, शाम को जब बंद होने लगेगा तब उड़ जाऊंगा। उसने ऐसा लिखा कि बंद होने लगता है ना तो अभी उड़ जाता हूँ, अभी तो इतना बड़ा छेद है, अभी उड़ जाता हूँ, अभी तो इतना है, मैं तो इतने से निकल जाऊंगा, अभी उड़ जाता हूँ। ऐसे करते करते मैं वो कमल बंद हो गया। फिर आता है कि वो गजनी हस्तनी आई और उसने ऐसा लिया और उस कमल को खा गई है ना, कि गजनी उजहार है, आता क्या नहीं आता है, वो कमली कमल को खा जाती है। तो वो भौंरा जिस पे इतना लीन जाता है कि मौत की कीमत पर भी वो उसको नहीं छोड़ता है। तो तुम अपना त्रिकालीस भगवान आत्मा पर ऐसे लींझ जाओ कि सारी जगत की कोई चीज तुम्हें वहाँ से हटने के लिए आकर्षित ना कर सके, बाध्य ना कर सके। ऐसी बात लगा ना, तेरो घट सरता में तू ही है कमल ताको तू ही मधुकर हुई सुवास पहचान ले, प्राप्ति ना हुई है कछु ऐसो तू विचारत है। या ननु
कि न कमनो उपलब्धि, तुझे शंका हो रही है कि नहीं मिलेगा। अरे क्यों नहीं मिलेगा, अवश्य मिलेगा। कहते प्राप्ति ना हुई है कछु, ऐसो तू विचारत है, तू सोचता है कि नहीं मिला तो। अब इस तेरे तो का हम क्या जवाब दें। सही हुई है प्राप्ति, स्वरूप यों ही जान ले। अरे अवश्य होगी प्राप्ति, ये बात बिल्कुल सही है। काय की गारंटी नहीं हुई तो क्यों? तुम हमें बता रहे हो और हम सब धंधा पानी बंद करके, दुकानदारी बंद करके, नौकरी से छुट्टी लेकर क्यों हम 6 महीना बैठे जाते हैं, और तुम जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे। लेकिन अब गारंटी तुम्हारी है ना कि वो हमें प्राप्ति फिर अवश्य होगी कि हाँ हमारी गारंटी है, और नहीं हुई तो फिर क्या करता है? तो हमारी जान ले लेना, और क्या करेगा, क्या करेंगे तुम? नहीं हुई तो कह के हमसे क्या कहलाना चाहता है? ऐसी हमें धमकी देता है कि हमने ऐसा किया और भगवान आत्मा की उपलब्धि हमें नहीं हुई तो क्या, तू तो कह के क्या कहना चाहता है? मेरी सारी संपत्ति ले लेना, क्या कहलाना चाहता है? मेरी जान लेना चाहता है, मैं क्या कहूं तेरे को? अरे मैं कह रहा हूं कि अवश्य हुई है प्राप्ति, शर्त लगा लो। कि भैया हम शर्त नहीं लगाते, जुआ नहीं खेलते, हम बता रहे हैं ना कि अवश्य होगी प्राप्ति। कि गारंटी क्या है तुम तो हमें ये बताओ, क्योंकि हम इसके लिए सब कुछ त्याग कर रहे हैं। दुकान 6 महीना बंद रहेगी तो वो 2 साल तक जमेंगी नहीं, सब ग्राहक टूट जाएंगे। 6 महीना नौकरी पे नहीं गए तो 6 महीना वो काम कोई ना कोई करेगा ना, तो हमारी नौकरी छूट जाएगी, कोई दूसरा आदमी आके वहाँ जम जाएगा। तुमने तो कह दी कि बस करो, वो हुई है प्राप्ति। वो कहते भैया मेरी तरफ से गारंटी नहीं है, गारंटी वस्तु के स्वरूप की तरफ से है, क्योंकि स्वरूप यों ही जानू रे। वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है कि अंदर में तेरा भगवान आत्मा विराजमान है, और तू उधर को देखेगा और तेरी ज्ञान की ताकत में उसे देखने की ताकत है, और तू पूरा सारी तरफ से उपयोग हटाकर देखेगा तो क्यों नहीं देखेगा? वो दिखने ही का नाम तो प्राप्ति होना है, और क्या है? कोई खरीदना थोड़ी है कि तेरे साथ आ जाए, साथ फेरे, तेरे साथ पाड़े, कोई ऐसी तो कुछ है नहीं। सिर्फ तुझे उसे देखना है और तुझे अपने चित्त में ये निर्णय करना है कि ये मैं हूं, बस खत्म, होगी प्राप्ति। इसके अलावा और क्या प्राप्ति होनी है? रोजाना अपने घर में नहीं देखते हैं? हमें पक्का भरोसा है कि मैं अभी घड़ी खोल के रख के आया हूँ तो अपने सिरहाने एक पर्टिकुलर जगह पर रख के आया हूँ, और रोजाना अभी मैं उतार के रखता हूँ तो वहीं रखता हूँ। क्यों? अब मैं कहूँगा भैया जगजिन जाना जरा मेरी घड़ी उठा लेना, मेरे सिरहाने है ना मधुअलवारी है ना, उधर रखी होगी। ठीक है मैं जाता तो हूँ, और नहीं मिली तो? अरे जा तो एक दफे, ठीक है मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपकी आज्ञा मानने को तैयार हूँ ना, लेकिन आप बताओगे नहीं मिली तो? यदि कोई इस तरह से अड़ जाए तो आप क्या कहते? कि हिलता तो है नहीं, जाता तो है नहीं, तुझे नहीं मिले तो फिर कहना। हम यही तो कहते हैं ना लोक में कि नहीं मिले तो कहना, कि फिर क्या करूँगा, फिर मैं इतना चक्कर काट गया हूँ, भाई मैं नहीं मिले, आप तो कह दोगे नहीं मिली तो उधर देख ले। कहते हैं लोक में तो झुंझला कर कहते हैं हम, कि अरे भाई वहीं रख के आया हूँ, वहीं रोजाना रखता हूँ, अब भी रख के आया हूँ तो क्यों नहीं मिलेगी? देखो हमें कितना कॉन्फिडेंस होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, जबकि उसमें 50 चक्कर हो सकते हैं,
हम खुद ही भूल गए हों, हमारे हाथ में से वो टूट गया हो कुछ उसका हिस्सा और वो कहीं निकल गई हो, और हमने जो कल रखी थी वो हमारी स्मृति में मैं रख के आया हूँ ऐसा याद रह गया हो, ये सब हो सकती है क्या? नहीं, ये भी हो सकती हैं कि मैं वहाँ रख के आया हूँ और कोई दूसरा आदमी आया तो वहाँ से उठा के ले गया हो, कितनी कितनी बातें हो सकती हैं, हो सकती है ना। फिर भी उस आदमी को कितना कॉन्फिडेंस रहता है, फिर भी वो कहता है कि नहीं तू जाके देख वहाँ क्यों नहीं मिलेगी, वहीं रखी रहेगी, वहीं रखी, मैं कहता हूँ ना रखी है, मैं कहता हूँ ना रखी है। वे कहते हैं कि वस्तु का स्वरूप है, ये मेरी तरफ से नहीं है। कैसा तुम अग्नि पे हाथ रखना तो अग्नि हाथ जल जाएगा कि नहीं जला तो, नहीं जला तो क्या, तू स्टोव जलाना जो भी जल क्या है, गैस चूल्हा जलाना और उसके ऊपर चाय रखना, 10 मिनट में चाय बन जाएगी, और नहीं बनी तो क्या करे बोले। ये माताएं बहनें रोजीना बहस करें कि वो कहे रोटी इस तरह सिक जाती है, वो पढ़ाने सिखाने वाली बताए चाय इस तरह बन जाती है, क्यों दो सीटी कुकर की दो सीटी आ जाएं तो समझ लेना चावल पक गए, 3 सीटी आ जाएं तो समझ लेना दाल भी पक गई, और नहीं पकी तो क्या करें। बोलो क्या होता है इस जगत में, आप भी उसी कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं ना कि हम सारी जिंदगी से कर रहे हैं और रोजाना पक जाता है, और तेरे भाग से नहीं पके तो हम क्या करें, कि आप गारंटी लो तो मैं करने को तैयार हूँ। कि काहे की गारंटी? अरे गारंटी तो इस बात की है कि इतना गर्म पानी हो उसमें वो उबले तो पके ही पके, क्यों? ऐसे वो कहते हैं कि भगवान आत्मा अंदर विराजमान है, अब वहाँ तो नहीं हो सकता कोई चोरी करके ले गया हो, वहाँ तो नहीं हो सकता कि हम उसे कहीं भूल आए हों, ये सारी संभावनाएं नहीं है ना। वो यहाँ हमेशा मौजूद है, कहाँ मौजूद है? तालाब में, तालाब में एक कमल है, और कमल है बत्तू ही है। तेरो घट सर तामे तू ही है कमल, कौन से कितना नए आ गए, एक वो अनूप चैसा सदबुद्ध व्यवहार नया आ गया, तेरा घट है और तू ही वो कमल है, उसमें है भगवान आत्मा अंदर है ना, ये तो पक्की बात है ना। क्यों महावीर जी अपने शरीर के भीतर ही आत्मा के असंख्यात प्रदेश और अनंत गुण है ना, इसमें कोई शंका है क्या? इतने दिनों तक अपन ने शास्त्र पढ़े और सब किया, तो मैं आपसे पूछता हूँ छाती पे हाथ रख के, इसमें एक सेकंड भी आपके चित्त में ये शंका हुई कभी कि इसमें आज शरीर में यदि आत्मा नहीं हुआ तो? किसी को नहीं हुई ना, यानी कितना पक्का भरोसा है। अब जब वो यहाँ है और जानने पर दिखाई दे जाता है कि इसका क्या प्रमाण है कि अनंत जीवों को आज तक दिखाई दे गया, नहीं तो वे मोक्ष कैसे जाते? अब इतने प्रमाण हैं, उनने देखा और उन्हें यहाँ भगवान आत्मा दिखाई दे गया। अब तू देख कि मैंने देख लिया, 10 मिनट हो गए मुझे देखते देखते, मुझे तो दिखाई दिया नहीं, तो हमने तो तेरे से 6 महीना देखने की बात करी थी और तू 10 मिनट में आ गया हमारे पास, हमें नहीं दिखाई देता, हमें नहीं दिखाई देता है? क्यों? हमने तो ये कहा था कि 1-6 महीना कहनो मेरो मान ले, और संकल्प और विकल्प के विकार तज अपनो मन एक ठोर आन ले, हमने तो ये कहा था। अब तू और संकल्प विकल्प में लग गया होगा, तो अब तू यही नहीं छोड़ रहा है कि नहीं मिला तो क्यों? तुमने कह दी कि नहीं मिलेगा तो, ऐसा होता है ना। देखो पहले के जमाने में राजा मर गया, उसने किसी को राज तिलक नहीं किया, उसके बच्चे थे नहीं, संतान कोई थी नहीं, तो ऐसा करते थे नगर के लोग कि राजा का जो हाथी होता था ना उसको छोड़ते थे, और वो जिसको बैठा के लाता था वो उसे राजा बना देते थे। तो वो हाथी को छोड़ा गया, तो हाथी गया तो एक भिखारी को
उसने सूंड से उठाया और अपने ऊपर बैठाया और लेके आया। अरे नहीं 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 नहीं, गड़बड़ कर दिया, गड़बड़, हम नहीं माने, इसको इसको बनाएंगे राजा, इसको भगाओ, बहुत दूर भगा दो, कहीं ज्यादा हाथी पहुँच ही नहीं पाए, और द्वारा हाथी छोड़ो। तो द्वारा हाथी छोड़ा तो वो खोजते खोजते जहाँ वो भिखारी मिला ना, उसको फिर द्वारा बैठा के लाया कि अब क्या करें, कि और दूर ले जाओ इसे जंगल में। तो और दूर ले गए, तो तीसरी दफे गया तो खोजते खोजते हाथी उसी भिखारी को बैठा के लाया। अब तो वो पक्का बन गया ना राजा, अब राजा बन गया। उसको कहा कि भाई राजा बन गया, क्या होता है राजा, कैसे बनते हैं राजा, कुछ नहीं कि तुम ये अपने कपड़े लत्ते उतारो, और बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े लत्ते रखे हैं, नहाओ धो अच्छी तरीके से, और वे कपड़े पहनो, गहने पहनो, राज सिंहासन पर तुम्हें बैठाया जाएगा, तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, ये सब उसको बताया, और तुम्हारा सब व्यवस्था होगी कि ठीक है ऐसा होगा, ठीक है। तो उसने सारे कपड़े उतारे अपने, वो गंदे गंदे, और उनको संभाल के एक पोटली बांधी और वो पोटली बांध करके उसे लेकर के कांख में दाब के बोले चलो कि इनका क्या करेगा, हम तुम्हें बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाएंगे, राज सिंहासन पे बैठाएंगे, तेरी सारी व्यवस्था होगी, नौकर चाकर लगे होंगे, तू ये पोटली को क्यों रखता है। तो वो कहता है भैया यदि तुमने नहीं बैठाया तो दो दफे हाथी बैठा के लाया था और तुम पकड़ के हमें वहाँ छोड़ आए थे क्यों, तीसरी दफे अभी तुम्हारे मन में ऐसे ही आ गया तो फिर मैं क्या करूँगा, क्या पहनूंगा क्यों, वो जब तक पक्का भरोसा नहीं हो जाए अपनी पोटली को संभाल के रखता है न मालूम किस दिन जरूरत पड़ जाए। ये कोई कहानी नहीं है, मैंने शायद एक दिन सुनाया था कि जब हम अपना गांव छोड़ करके और वहां से आए तो हमने कहा पिताजी से कि इस मकान को अपन बेच देते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं मकान नहीं बेचे, मकान नहीं बेचे, नहीं क्यों, क्या करेंगे मकान, अभी अपन तो जा रहे हैं, अभी यहाँ आएंगे नहीं, तो अपन जहाँ जा रहे हैं जब नक्की हुआ था तो वहीं पर अपन मकान लेंगे, रहेंगे, जो कुछ भी करेंगे धंधा पानी वहीं करेंगे, तो अब क्या करेंगे, नहीं नहीं नहीं, क्यों, वहाँ धंधा नहीं जमा तो और लौट के आना पड़ा तो मैंने कहा लौट के आएंगे तो इसी गांव में आएंगे, जो आज तक जिस गांव में ना उस वक्त स्कूल नहीं था, पुलिस चौकी नहीं थी, रोड नहीं था, बस नहीं जाती थी, ट्रेन नहीं जाती थी, कोई सवारी नहीं मिलती थी, कुछ नहीं था, और आज भी लगभग वैसा ही का वैसा है, प्राइमरी स्कूल हुआ हो तो हुआ हो, ना डाकखाना ना पुलिस चौकी, कुछ नहीं था। मैंने कहा आएंगे तो इसी गांव में आएंगे, हिंदुस्तान में 7.5 लाख गांव हैं, तो वहाँ नहीं कहीं ना कहीं नहीं बस पाएंगे। कि नहीं भैया, नहीं भैया ये कहते रहे और हमने तो बेच दिया कभी इस गांव में दोबारा लौट के नहीं आना, ऐसा ही होता है भाई साहब, अकेले वो तो कहानी है भिखारी की, तो सब छोटे बड़े भिखारी ऐसे ही हैं। देखो ये नौकरी है तुम्हारी यहाँ, और उससे 10 गुनी अच्छी नौकरी मिलती है ना, तो अभी 6 महीने तक इस्तीफा नहीं देते हैं क्या, वहाँ जाके जम जाए, अच्छी हो जाए, पानी मानी लग जाए, हैं, तो फिर छोड़ेंगे, हैं, करते कि नहीं करते हैं। वो पुरानी चीज़ छोड़ने का भाव नहीं होता तो नई चीज़ हाथ आती नहीं है, क्योंकि चित्त विभक्त रहता है ना, संकल्प विकल्प चलते रहते हैं ना, यहाँ के वहाँ के, यहाँ के वहाँ के, यहाँ के वहाँ के, तो मन लगा के वहाँ जहाँ गया है वो काम भी नहीं कर सकता। असली पुरुषार्थी जीव कौन है कि जिस सीढ़ी पर से चढ़ के गया उसे तोड़ दे, क्यों, क्या मुझे उतरना ही नहीं है, अब मैं तो और आगे चढ़ूंगा, इस सीढ़ी को रखूं क्यों। आप जानते हैं युद्ध के मैदान में क्या होता है, जो अपनी सेना जाती है ना
लड़ने वाले सबसे आगे मालूम कौन रहते हैं? नहीं मालूम, इंजीनियर। वे सड़क बनाते जाते हैं, वे रास्ता बनाते जाते हैं, समझे ना। और वो आगे उस पर पीछे सेना उसके ऊपर आती है, आगे वे पुल बनाते हैं टेम्परेरी, और उस पर से नदी पार करती है सेना, और डॉक्टर भी साथ साथ चलते हैं सब। क्यों? कि वो कोई घायल हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, तो मलम पट्टी कौन करेगा, दवाई कौन देगा? दवाई का बक्सा लाद करके डॉक्टर साथ साथ चलते हैं और इंजीनियर आगे आगे चलते हैं। और अब यदि अपन को लौटना पड़ा, वहाँ से प्रेशर ज़्यादा पड़ा, अब आगे बढ़ते हैं तो मारे जाएंगे, तो इंजीनियर सबसे पीछे रहते हैं। यहाँ मरने को आगे और वहाँ पीछे, कि हम सेना निकलती जाए और तुम सड़क और पुल तोड़ते जाओ। अरे हमने बनाए हैं अभी और तोड़ते जाए कि हाँ, क्योंकि हमारा पीछा जो सेना करेगी हमें मारने को, उनको बनी बनाई सड़क मिल जाएगी और बने बनाए पुल मिल जाएंगे, तो हमें मार डालेगी। तुम तोड़ दो, कम से कम उन्हें बढ़ने के लिए फिर अपनी नई सड़क तो बनानी पड़े, नया पुल तो बनाना पड़े, कितने में तो अपन न मालूम कहाँ के कहाँ पहुँच जाएंगे। जाते वक्त आगे और लौटते वक्त पीछे, आगे भी गोलियाँ खाने को और लौटते वक्त भी पीछे रहकर गोलियाँ खाने को। माने जिस सड़क को हमने बनाया है, अब वो सड़क हमें तोड़ देना, हमको पीछे नहीं हटना। वो कहते तेरा भगवान आत्मा है, तुम उधर जाना, तुझे अनंत अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी, अनंत सुख की प्राप्ति होगी। हैं? ठीक है जाता हूँ, लेकिन जरा बाल बच्चों को तुम संभाल के रखना, एक घर को ठीक रखना। हैं? पड़ोसी को समझा के जाता, भैया तुम ध्यान रखना मेरे घर का। क्यों? अरे अब तुझे लौट के इधर आना है क्या? तुझे वो मिल जाएगा, और नहीं मिला तो कहते देखो प्राप्ति ना हुई है कछु, ऐसो तू विचार तू है, सही हुई है प्राप्ति स्वरूप यों ही जान ले। गारंटी है किसकी तरफ से? वस्तु के स्वरूप की तरफ से गारंटी है। अंदर भगवान आत्मा विराजमान है, ये परम सत्य है, तेरी ज्ञान की पर्याय में ये ताकत है कि उसको जान सकता है, ये परम सत्य है। श्रद्धा की पर्याय में ये ताकत है कि उसमें अपनापन स्थापित कर ले, ये परम सत्य है। अब तू काय के संकल्प विकल्प में पड़ा है, अब जाता क्यों नहीं है? देखो बनारसी दास ने तो लिखा है, और जयचंद जी छाबड़ा थोड़ा और आपको आश्वासन देते हैं, आगे पढ़ो, कि 6 महीना तो बहुत लंबा कोर्स होता है। क्यों? 6 महीना में आत्मा का अनुभव होगा, इतना हमारे बस की नहीं है, इतना हम नहीं दे सकते हैं। कि तूने 30 वर्ष की रोटियों के लिए 30 वर्ष दिए हैं बेटे। कोई डॉक्टर बनता है, कलेक्टर बनता है, समझे ना, तो उसे 30 वर्ष लगते हैं। पहले डॉक्टर बने, पढ़े, कौन सी क्लास पास हो गए, फिर उसमें भर्ती हो गए, फिर 5 साल पढ़े, फिर MD करे, फिर वो क्या कहते हैं, क्या करना पड़ता है, हाउस है ना, वो करनी, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रात रात भर की ड्यूटी देनी पड़ती है, फिर 3-4, फिर वे कहते हैं कि 3 साल तुम गांव में जाके पहले करो, फिर तुम्हें हम शहर में आने देंगे। मालूम, जो लड़कियां डॉक्टर थीं, उनने अदालत में जा कर के ये कहा कि ऐसे हम जा कर के पढ़ पढ़ा के तैयार होंगे तो ये 25, 27, 28 वर्ष की हो जाएंगी, फिर 3 साल जाके गाँव में रहेंगी, हम ऐसा शादी कौन करेगा, फिर हम शादी कब करेंगे, ये नहीं हो सकता। ऐसा गवर्नमेंट से कहा, 60 साल की जिंदगी के लिए 30 साल की पढ़ाई, और यहाँ अनंत काल तक के अनंत सुख के लिए
छः महीना का बता रहे हैं तो इसमें कहते हैं बहुत होते हैं, छः महीना तो बहुत होते हैं। क्यों? फिर भी जयचंद जी छाबड़ा आपको डांटते नहीं है, शांति जी जैसा पुचकार के कहते हैं, सुनो निकालो पेज नंबर 346 पे। यदि अपने स्वरूप का अभ्यास करे तो उसकी प्राप्ति अवश्य होती है, यदि पर वस्तु हो तो उसकी प्राप्ति नहीं हो। अब वो तो अपना आत्मा है, क्यों नहीं मिलेगी? पर वस्तु तो है नहीं, पर वस्तु हो तो उसकी प्राप्ति नहीं हो। देखो अपना स्वरूप तो विद्यमान है ना, किंतु उसे भूल रहा है। यदि सावधान होकर देखे तो अपने निकट ही है, पर तेरे देखने की देर है, वो तो है ही यहाँ। उसे मिलने और नहीं मिलने का क्या सवाल है, वो तो मिला ही मिला है। यहाँ 6 मास के अभ्यास की बात कही है। इसका अर्थ यह नहीं समझना कि इतना ही समय लगेगा, घबराओ मत, 6 महीने नहीं लगने वाले हैं। क्या उसकी प्राप्ति तो अंतर्मुहूर्त मार्ग में ही हो सकती है, एक जगह लिखो ना पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, वो भी लिखा। परंतु यदि शिष्य को बहुत कठिन मालूम होता हो तो उसका निषेध किया, इसलिए 6 महीना कह दिया। तुझे बहुत ही कठिन लग रहा होगा, नहीं मिलेगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो हमने 6 महीने की बात कही है। यदि समझने में अधिक काल लगे तो 6 मास से अधिक नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ उपदेश दिया है कि अन्य निष्प्रयोजन कोलाहल का त्याग करके इसमें लग जाने से शीघ्र ही स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा उपदेश है। देखो अब ये कोलाहल मैंने क्या क्या आ गया है, क्या क्या आ गया। देखो अपने आत्मा की में उपयोग को लगाना, इसके अलावा आत्मा के कल्याण के लिए जो जो लोग करते हैं, आज तक आपने किया है अथवा और धर्म के नाम पर लोग करते हैं, उन सब का नाम कोलाहल है। बस समझ लो आप, अब व्रत शील संयम व्रत तप उपवास ये सब आ गए, समझ गए। अभ्यास शब्द का अर्थ स्वामी जी इस प्रकार कहते हैं। देखो अब अभ्यास करने का क्या करें, अभ्यास करना क्या करें, अब क्या करें, जैसे प्रैक्टिस करो, आंखें बंद करो, ऐसा करो, ऐसा करो। अरे वस्तु स्वरूप का विचार, उसका निर्णय, बस यही अभ्यास है और कोई अभ्यास इसके अलावा करना नहीं है। इसमें इसमें सब लिखा है, मैं पढ़ के बताता हूँ। स्वामी जी का ज़्यादा लंबा नहीं है, पढ़ सकते हैं अपन। चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का अभ्यास करे तो उसकी प्राप्ति अवश्य होती है, अंतर्मुख होने का पुरुषार्थ करे और प्राप्ति ना हो, ऐसा 3 काल में भी नहीं हो सकता। यहाँ अभ्यास का अर्थ अकेला शास्त्रों को पढ़ना और सुनना मात्र नहीं है, किंतु अभ्यास अर्थात निःशुद्ध चैतन्य में एकाग्रता करने के पुरुषार्थ की बात है। भाई तुम अपनी श्रद्धा में तो ले कि वस्तु ऐसी है, श्रद्धा में दूसरा कुछ लेगा तो आत्मा हाथ नहीं लगेगा, पुरुषार्थ अंदर की ओर नहीं ढलेगा। अब तुझे कहें ऐसा नहीं हो तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा कर लेंगे। देखो आपको गोल्ड मेडलिस्ट होना है, क्या पास होना है, बड़े से बड़ा उद्देश्य गोल्ड मेडलिस्ट होना और छोटे से छोटा उद्देश्य पास होना, तो उसके सबसे बढ़िया एकमात्र उपाय क्या है, अध्ययन करना है ना। अब कोई आदमी कहे कि नहीं एक नहीं बहुत है, अध्ययन करना तो है ही, फिर परीक्षा में नकल मारना भी है, आजकल बहुत चलती है आपको पता नहीं है, तो उसमें भी पार नहीं पड़े तो कॉपियां कहाँ गई हैं उसका पता लगा कर कॉपी जांचने वाले के पास पहुंचना, वहाँ भी तुम्हें सफलता नहीं मिले
तो वो रिजल्ट जहाँ पहुँचा देगा, तो वो जो रिजल्ट चढ़ाते हैं ना हमारे सीटों पर, उसे टेबुलेशन बोलते हैं दादा क्या, आपने तो बहुत किया। तो उस टेबुलेशन के वाले के पास जाना, फिर उसके बाद चेकिंग वाला होता है, वो चेक करता है इन्होंने सही टेबुलेशन किया, उसके पास जाना, उसके पास से भी निकल जाए तो वो क्लर्क है ना, अरे वो तो एक बिंदी बढ़ा देता है। बहुत उपाय हैं, पेपर आउट करना, इतने उपाय जिसको दिखता है वो गारंटी से पास होने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका चित्त बटा हुआ है, और जिसे एक एकमात्र उपाय पढ़ना है वो उसमें चित्त बटा नहीं है, तो वो पढ़ेगा और वो निश्चित रूप से पास होगा। आप समझे ना, ये तो चित्त बट जाता है उसका। एक हमारे साथी निरीक्षक थे, अध्यापक, तो वो क्या करते थे, क्योंकि आजकल विद्यार्थियों को पकड़ लेना, उनकी कॉपी पे नोट लगा देना, तो खतरा बोल लेना है, बीमार पीट विद्या वालों क्या क्या करेंगे, तो वो कुछ नहीं करते थे। वो शांति से घूमते रहते थे और वहाँ जाके खड़े हो जाते थे। जब वो खड़े हो जाते थे ना, तो फिर वो नकल करना तो बंद कर ही देगा ना, और उसको दाब के रख लेगा पर्ची को, फिर बैठा रहेगा, फिर चले जाते। फिर वो पर्ची मर्ची निकाल के लिखना शुरू करता, थोड़ा बहुत यहाँ घूम घाम के फिर आके वहीं खड़े हो जाते, उधर को देखते। ऐसा नहीं कि वो वहाँ आके खड़े हुए जानबूझ के, नहीं, ऐसा नहीं पल लगे उसे कि जो यहाँ आके खड़े हैं, उधर समझते अब घूम रहे तो कहीं ना कहीं खड़े होना ही है, तो हो गए। वो ऐसा करते, मैं कि ऐसा क्यों करते हो तुम, बोले साले का आधा घंटा खराब हो जाएगा, एक घंटा तो अपने आप ही नहीं लिख पाएगा, अपने आप ही फेल हो जाएगा, झगड़ा में कौन पड़े, क्यों तुम तो नहीं करते गजेंद्र सा क्या करें, कैसे निपटें इनसे, यानी हजार उपाय दिखते हैं वो कभी सफल नहीं हो सकता। एक उपाय है क्या, अध्ययन, अध्ययन और अध्ययन। ऐसे ही एक उपाय है अपना भगवान आत्मा के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और उसी का अध्ययन, मनन, चिंतन, जो भी समझ लो, अभी मैं सब लिखा है मैंने इसमें, इसलिए मैं अभी समय तो हो गया, तुम पढ़ लोगे घर पे कि मैं पढ़ के सुनाऊँ, इसमें मैं ये सब लिखा है कि 6 महीना तक तो कोई आत्मा में रहेगा नहीं, तू 6 महीना तो आत्मा में रह नहीं सकता है, अंतर मुहूर्त में तो केवल ज्ञान हो जाता है, क्यों, अंतर मुहूर्त कितने होते, 48 मिनट से कम, तो 6 महीना में कितने 48 मिनट होंगे, क्यों, तो इतने केवल ज्ञान हो जाएंगे। तो भाई 6 महीना में अभ्यास करने की बात क्या है, तो उसमें अध्ययन, मनन, चिंतन, सत्समागम, ये सब आ गया। वो कहते हैं हम तुमको देशना लब्धि की बात से मना नहीं कर रहे, प्रायोग लब्धि की बात से मना नहीं कर रहे, अध्ययन, मनन, चिंतन से मना नहीं कर रहे, 6 महीना तो यही करोगे, पर दुनियादारी की बातों से निषेध कर रहे हैं। 6 महीना की जब अंतर मुहूर्त की बात कहें और केवल ज्ञान की बात कहें तो फिर ये सबका निषेध हो जाएगा, लेकिन अब 6 महीने की बात कहते हैं तो उसका अर्थ यही होता है कि जहाँ जो संभव हो वही होगा। देखो अंतिम पैरा पढ़ो, सभी प्रकार के संकल्प विकल्पों का निषेध और वह भी 6 महीने तक, यह सब कैसे संभव है, जैसा कि ऊपर कहा गया है कि संकल्प विकल्पों को पूर्णता अभाव करके यदि अंतर्मुहूर्त तक भी हो जावे तो केवल ज्ञान हो जाता है, और यहाँ 6 महीने तक करने की बात कह रहे हैं। इसका तात्पर्य यही है कि यहाँ व्यर्थ के संकल्प विकल्पों में वाद विवादों में उलझने का निषेध है, विकल्पात्मक तत्व मंथन का नहीं, अति आवश्यक तत्व चर्चा का नहीं। मैं आप इसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जो लोग कर रहे हो वो 90% तो सही रास्ता है, यदि आप और अपने चित्त को नहीं भटका रहे हों, यदि 6 महीना तक की बात है तो यही होगा। एक एक उद्देश्य से ख्याल में आई ना, अब यही कह रहे कौन सी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसमें करूँगा, इसके बाद में बीएड कर लूँगा, इसके बाद ये कर लूँगा, अभी बहुत हैं, 5 साल हैं, 5 साल बाद में निर्णय करते रहना, जो भी करना है
है ना। अभी तो कम से कम पूरी तरीके से एक चित्त होकर एक चीज, एक छोटे छोटे उद्देश्य बनाओ ना कि आज हमको बारहवीं गाथा का अर्थ पूरी तरह समझना है, बस ख़त्म। आज का हमारे 24 घंटे का ये है, आज हमें 11वीं गाथा समझनी है, आज 13वीं समझ। छोटे छोटे उद्देश्य बनाओ ना, फिर दुनिया में फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा, कल्पना लोक में अभी से उड़ने की क्या ज़रूरत है। और वो तो समय आ ही गया था कि केवल ज्ञान में नोंद है, एक समय पहले कुछ होने वाला नहीं है, एक समय बाद कुछ लगने वाला नहीं है, वो तेरे व्यर्थ के इन संकल्प विकल्प जालों से वहाँ कुछ होने वाला नहीं है। तो वो वहाँ की से हटाने के लिए तो ये गारंटी है, समझ गया ना, और यहाँ लगाने के लिए तेरी रुचि की बात कर रहे हैं कि मैं कौन होता हूँ साहब वहाँ से हटा के लगाने वाला। हम कहाँ कह रहे कि तू हटा के लगा, हम तो कह रहे तेरी रुचि एकमात्र एक करने में हो तो तेरे गारंटी से सफलता मिलेगी, मिलेगी और मिलेगी, उसमें किसी प्रकार की तू शंका मत कर।